नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, डायरेक्टर यूरोलॉजी रोबोटिक्स किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में। आज हम लोग बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, मतलब कि वो डायलिसिस पे हैं। तो कैसे हम उनको कुछ सुविधा दे सकते हैं और वो डायलिसिस से बच सकते हैं। तो जी हाँ, आंसर इसका यही है कि उन पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन है जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स में तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अब बहुत से ट्रांसप्लांट्स इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको लगता है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। तो मेदांता में हम लोग ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स करते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप को मैच किए बिना भी हम लोग सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट्स करते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम लोग स्वैप ट्रांसप्लांट्स करते हैं। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट्स में दो फैमिलीज होती हैं जिसमें कि एक फैमिली का डोनर दूसरे फैमिली के रिसिपिएंट को देता है और दूसरे फैमिली का डोनर पहली फैमिली को रिसिपिएंट देता है। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स जो कि ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, आइदर बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप और किसी डिफ़िकल्टी की वजह से, वो लोग हमारे पास आके इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डोनर को लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक मेथड से ऑपरेट करते हैं जिससे डोनर तीसरे दिन घर जा सकता है। डोनर के बारे में बहुत से लोगों के मन में होता है कि किडनी डोनेट करने के बाद हम पेशेंट बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथक है। डोनर की सर्जरी के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर उसको अपनी पूरी लाइफ जितनी दो किडनी के साथ जीनी थी वो एक किडनी के साथ भी जी लेते हैं, उनको किसी बीमारी या किसी और प्रॉब्लम का कोई खतरा नहीं होता और हमारे लिए उनकी सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी। इसी तरह रेसिपिएंट के लिए बेस्ट मेथड्स हैं जैसे कि रोबोटिक मेथड या ओपन मेथड, उससे ट्रांसप्लांट करते हैं और हमारे रेसिपिएंट 7 से 8 दिनों में घर चले जाते हैं। सो ये हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मेदांता में अब 4 ईयर्स ओल्ड हो चुका है जिसमें हम लोग मोर देन 250 किडनी ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं। और इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप मेदांता हेल्प डेस्क में बात कर सकते हैं जिससे आपको इसके सारा समाधान पता चल जाएगा।